तो दोस्तों आज मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला हूँ मेट्रो में। तो भाई आज मैं इस दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करने वाला हूँ गुड़गांव से दिल्ली कश्मीरी गेट ISPT तक। तो देखते हैं मेरा सफ़र कैसा रहता है और दिखाता हूँ आपको भी अपना सफ़र इस व्लॉग में। दोस्तों मैं हूँ इस टाइम पे मिनी दुबई ऑफ इंडिया, जिसको साइबर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि मैं इस टाइम पे गुरुग्राम में हूँ। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि हमने ट्रैवल किया था यहाँ गुरुग्राम तक। तो अभी हूँ मैं गुरुग्राम के इफको चौक में, और यहाँ से कश्मीरी गेट की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। तो यहाँ से मुझे दिल्ली जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जिंदगी में पहली बार मेट्रो में सफर किया जाए। और इस व्लॉग में मैं आपको दिल्ली की कुछ फेमस लोकेशंस घुमाने वाला हूँ, तो बने रहे व्लॉग में। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद जरूर आएगा। सफर किया जाए मेट्रो में, मैंने कभी सफर नहीं किया। तो दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, तो आज जाएंगे हम गुड़गांव से दिल्ली तक मेट्रो में और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है दिल्ली मेट्रो का। वैसे भी काफी नाम सुना है, चलिए फिर चलते हैं। भाई यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और इस भीड़ को देख के मुझे नहीं लगता कि मुझे आज यहाँ पे मेट्रो की टिकट मिलने भी वाली है कि नहीं। भाई लगभग 20 मिनट वेट करने के बाद मेरा भी नंबर आ ही गया है यहाँ पे टिकट काउंटर पे। तो अभी मैं भी इस एस्केलेटर पे चढ़ के जा रहा हूँ ऊपर मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि मेट्रो स्टेशन अमूमन या तो फिर ऊपर फ्लाई ओवर ब्रिजेस पे होते हैं या फिर डाउन में होते हैं अंडरग्राउंड। तो अभी चलते हैं भाई, यहाँ से देखिए आप इफको चौक के नज़ारे कुछ इस तरह से। तो जी ये है 50 रुपये की टिकट। तो यहाँ पे हो रही है बैग की चेकिंग, और आगे जाके मुझे मिलेगा बैग। तो फाइनली बैग मिल चुका है, और अभी हम यहाँ गेट से एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एक बार कोड सा बना होता है टिकट पे, जिसको यहाँ पे रख के स्कैन करना पड़ता है, और स्कैन होते ही गेट खुल जाते हैं। तो जी फाइनली मेट्रो के सामने पहुँच गए, और देखिए ये है प्यारी सी मेट्रो। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, और 50 रुपीज़ की टिकट लगी है। तो ट्राई करते हैं दिल्ली की मेट्रो फर्स्ट टाइम, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो फाइनली ये आ गई अपनी मेट्रो, और भाई मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ मेट्रो में बोर्ड करने के लिए। और फाइनली ये देखिए हम आ गए मेट्रो के अंदर। यहाँ पे तो भाई सीट ही नहीं मिल रही थी खाली, फिर यहाँ पे मुझे सीट मिली है। और भाई ये जो विंडोज़ पे इसके ग्लासेस लगे हैं ना भाई, इतने ज़्यादा साउंड प्रूफ है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब बाहर की बिल्कुल भी नॉइस नहीं आती। अभी देखिए यहाँ पे स्टेशन पे खुलेंगे, और ये देखिए ये दरवाजे खुल गए, और कितनी नॉइस आ रही है बाहर की। जैसे ये बंद होंगे ना, बिल्कुल नॉइस प्रूफ हो जाएगी भाई मेट्रो। ये देखिए भाई साहब, बाकी ये कुछ नज़ारे गुरुग्राम से दिल्ली जाते टाइम। बाकी जो जो भी खास आगे रास्ते में आएगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बाकी बात कर लें गुड़गांव की, जिसको गुरुग्राम भी कहा जाता है, ये हरियाणा की एक सिटी है, जो कि काफ़ी कम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गई है। इसको इसीलिए मिनी दुबई ऑफ इंडिया और साथ में साइबर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और काफ़ी वेल डेवलप्ड सिटी है ये। तो बाकी ये मेट्रो स्टेशंस का चार्ट दिया गया है, जिस भी स्टेशन पे मेट्रो पहुंचने वाली होती है तो वो ग्रीन कलर में ब्लिंक करती है, और जहाँ पे मेट्रो पहुंच चुकी होती है वो रेड कलर में करती है। तो जी जब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और रोड्स कंक्रीट से निकल के एकदम से ये नज़ारे देखने को मिलते हैं हरे भरे, तो भाई बात ही अलग, कुछ अलग ही आनंद मिलता है। बाकी देखिए अपनी मेट्रो यहाँ रुकी है एक स्टेशन पे, और पीछे काफ़ी सुंदर एक मंदिर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा भी बनाई गई है। क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है ये कौन सा मंदिर है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अभी हमारी मेट्रो जिस स्टेशन पे खड़ी है, ये स्टेशन अंडरग्राउंड है, मतलब ग्राउंड के अंदर है ये स्टेशन। और जब यहाँ की डोर्स खुली थी तो भाई बाहर से एकदम से हीट आ रही थी अंदर को, तो ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस था अंडरग्राउंड स्टेशन में जाने का। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड हुए मेट्रो में। अभी हमारी मेट्रो ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, और अब पता नहीं ये ग्राउंड से कब बाहर निकलेगी और ओवरब्रिज पे चलेगी। तो जी उतर के मेट्रो से, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई। मेट्रो सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रही, और हमारी जर्नी इतनी मस्त रही, क्या ही बताऊँ। इतनी स्मूथ चलती है मेट्रो, मज़ा ही आ जाता है भाई ट्रैवल करके। अभी फिर से हम एस्केलेटर पे चढ़ेंगे, और भाई यहाँ से देखने में लग रहा है ये वाला स्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड बना हुआ है।
चलिए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो का सफ़र तो मैंने आपको दिखा दिया। दिल्ली मेट्रो का सफ़र तो बहुत सही था, मेट्रो तो अच्छी खासी है, एसी भी पावरफुल है और स्पीड भी अच्छी खासी है मेट्रो की। टाइम से हमें पहुंचा दिया। देखिए अभी कुछ 1:08 का टाइम हो रहा है, लगभग 40 से 45 मिनट में मेट्रो ने हमें पहुँचा दिया। फिर चलते हैं अभी दिल्ली की और फेमस लोकेशन घूमते हैं एंड आपको भी घुमाता हूँ थोड़ी बहुत दिल्ली। तो ये है महाराणा प्रताप ISBT कश्मीरी गेट, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा ISBT इंटरस्टेट बस स्टैंड है। यहाँ से आपको हर जगह की बस मिल जाएगी। भाई साहब बहुत ही तगड़ा वाला है यहाँ पे बस स्टैंड बना हुआ है। चलिए दोस्तों घूमते हैं लाल किला, रेड फोर्ट पे चलते हैं। तो भैया ने लाल किला जाने के मांगे हमसे 100 रुपया और हमने भैया को 80 बोला और भैया 80 में मान गए। तो फाइनली दोस्तों ये है हमारे सामने द रेड फोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि लाल किला। और बचपन में गाने में सुना है लाल किले की चोटी पे झंडा जो लहराता है, तो भाई आज देख भी लिया अपने भारत का झंडा लाल किले की चोटी पे लहराता हुआ। तो काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई इसका, लाल किले का, और काफ़ी ज़्यादा विशाल है ये। और मैं आपको बोलूँगा, आपको कभी दिल्ली आने का मौका मिले तो यहाँ पर लाल किला ज़रूर घूमिएगा। देखिए आपको यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये देखिए सामने अपनी लाल किले की चोटी पे तिरंगा अपना लहरा रहा है। बाकी दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं अंदर नहीं गया, बाहर से ही घूमा लाल किला और कुछ नज़ारे कैप्चर किए। बाकी अब मैं चल पड़ता हूँ यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि मजनू का टीला की ओर। और यहाँ से हमारा नया सफ़र शुरू होगा। कहाँ का सफ़र शुरू होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल आप गैस कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि यहाँ से मेरा कहाँ का सफ़र होने वाला है अगला। तो यहाँ पे एक चाय के कप के साथ यहीं पे व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय।